गाइज आज इस वीडियो में आपको थ्री यूनिक मियो थीम के बारे में बताऊंगा जो आपके रेडमी फोन में या फिर पोको फोन में अप्लाई करके यूज कर सकते हो। सभी के सभी थीम्स बहुत ही तगड़े हैं यार, और एन मेरा तो सबसे खास मियो थीम है जिसके लिए तो आपको वीडियो एंड तक देखना चाहिए। बिना तरीके चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, बात करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट मियो थीम के बारे में। इस थीम के होम स्क्रीन में देख सकते हो बिल्कुल क्लीन एक वॉलपेपर है। ये वॉलपेपर मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, सो मैंने अलग से वॉलपेपर डाउनलोड किया है और अप्लाई किया है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखो इस थीम को होम स्क्रीन कितना कमाल का लगता है। आइकन्स का डिजाइन भी देख सकते हो, आपको पोको फोन की तरह आइकन आपको देखने को मिलेगा। इस थीम के सेटिंग्स मुझे सबसे खास लगा क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लीन लुक देखने को मिलेगा सेटिंग्स के अंदर। अगर आपको डार्क मोड ऑन करना है तो डार्क मोड भी यह थीम सपोर्ट करता है। देख ही सकते हो इस थीम के सेटिंग्स कितना बढ़िया लगता है यार। और एक तगड़ा चीज़ है इस थीम का, वो है लॉक स्क्रीन, क्योंकि लॉक स्क्रीन को आप कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर ऑप्शन है, इसे टच करोगे तो आप अलग अलग वॉलपेपर चेंज कर पाओगे। यस, यहाँ तक कि अगर आपको क्लॉक स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पर ऑप्शन है, क्लॉक स्टाइल भी आप अलग अलग चेंज कर सकते हो। तो अगर आप रेडमी फ़ोन यूज़ कर रहे हो और आपको पोको फोन का थीम चाहिए तो ये थीम अप्लाई करके ट्राई कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मियो थीम की तरफ। इस वीडियो का सेकंड थीम भी कुछ कम नहीं है। इस थीम के होम स्क्रीन में देखो यार कितना बढ़िया एक वॉलपेपर है। वॉलपेपर के साथ आइकन्स का डिज़ाइन भी देखो यार कितना मस्त 3D आइकन्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर थोड़ा बहुत आईफोन के विजेट्स भी आपको देखने को मिलेगा ऊपर, आप देख सकते हो। और अगर आप स्टेटस बार पर चेक करोगे तो यहाँ पर अलग अलग कलर के हिसाब से स्टेटस बार चेंज हो चुका है, जो आपको पसंद आएगा इस थीम का स्टेटस बार। और एक तगड़ा चीज़ है इस थीम का, वो है सेटिंग्स। देख सकते हो यार पूरा सेटिंग्स चेंज हो चुका है। यहाँ पर जितना भी आइकन्स है, जो फॉन्ट है, अलग अलग स्टाइल में चेंज हो चुके हैं। और हाँ, सबसे मस्त चीज़ तो दिखाना आपको भूल ही गया, जैसे ही आपके फ़ोन को रीबूट करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत ही तगड़ा एक बूट एनिमेशन देखने को मिलेगा जो ऐसा लगता है देखने में। और इस थीम का नाम है एंड्रॉयड V12। और ये वाला थीम आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। गाइस आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत से ये सभी थीम सर्च करके लाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि ऐसा ही मियो थीम के बारे में बात की जाती है इस चैनल पर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मियो थीम की तरफ। तो अभी बात करते हैं इस वीडियो का लास्ट और सबसे खास थीम के बारे में जिसका नाम है मिनिमल ब्लू। इस थीम को डाउनलोड करने से पहले इसका झलक देखो थोड़ा सा, यानी कि होम स्क्रीन देखो कितना बड़े यहाँ पर होम स्क्रीन देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो आप वॉल पर देख पा रहे हो ये मैंने चेंज किया है, थोड़ा बहुत तो मॉडिफाई करना पड़ता है यार। और आइकन्स के डिजाइन देख तो बिल्कुल नियॉन आइकन्स आपको देखने को मिलेगा इस थीम के अंदर। और इस थीम का कंट्रोल सेंटर भी बहुत ही खास है, देख सकते हो कितना मस्त यहाँ पर कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। और टॉगल्स को थोड़ा बहुत रीडिजाइन किया गया है इस थीम की कंट्रोल सेंटर में। और एक तगड़ा चीज़ है इस थीम के सेटिंग्स, क्योंकि यहाँ पर देख तो बिल्कुल आपको क्लीन सेटिंग्स देखने को मिलेगा इस थीम के अंदर। और हाँ, ये थीम डार्क मोड को भी सपोर्ट करता है जिसके वजह से यहाँ पर जो सेटिंग्स का लुक है बिल्कुल चेंज हो जाता है यार। आपको नियॉन आइकन्स देखने को मिलेगा सेटिंग्स के अंदर भी। तो अगर आपको नियॉन आइकन्स के साथ एक बहुत ही तगड़ा मियो थीम चाहिए तो ये थीम ट्राई जरूर करना। आई होप ये थीम आपको अच्छा लगा होगा। सो गाइस, ये तो कुछ थ्री यूनिक मियो थीम्स जो आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आपको कुछ सीक्रेट मियो थीम्स ट्राई करना है, वीडियो देखना है तो लेफ्ट साइड वीडियो पे क्लिक करो। अगर आपको मियो थीम्स के ऊपर फुल प्लेलिस्ट देखना है तो राइट साइड वीडियो पे क्लिक करो। मैंने काफ़ी सारे मियो थीम्स को रिव्यू किया है इस चैनल पर जो आपको एक बार देखना चाहिए। मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।